क्या चीता कुत्तों से डरता है? क्यों चीते एग्रेसिव नहीं होते? दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर पालतू कुत्ते जैसे जानवर से क्यों डरता है? ये सवाल बेहद ही रोचक है, लेकिन इसके उत्तर भी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, जो कि चौंका देने वाले हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे और पहली बार तो यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ, चीते कुत्तों से डरते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? विशेषज्ञों का कहना है कि चीता जैसा हिंसक और हिरण जैसे बड़े बड़े जानवरों को एक ही झपट्टे में शिकार बनाने वाला जानवर कुत्तों से डरता है, लेकिन कुत्तों से क्यों डरता है, आइए जानते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि चीते का विकास इस रूप में हुआ है कि वह शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए करे, इस कारण उसके पंजे मजबूत होते हैं और बड़े बड़े नाखून होते हैं और वो सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला जीव है। लेकिन मूल रूप से वह शांत जीव है, वे फ्रेंडली है, एग्रेशन यानी हिंसा उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए वे मोटे तौर पर हिंसा का सहारा नहीं लेते और यही कारण है कि वह गुर्राते भी नहीं है। उनकी आवाज बहुत ही धीमी और कम विजिबल होती है, लेकिन एग्रेशन कुत्तों के स्वभाव में होता है, इस कारण से वो जोर से भौंकते हैं और लगातार भौंकते रह सकते हैं, जिसका मूल मकसद सामने वाले को डराना और उस पर दबाव बनाकर उसे भगाना होता है। यह मजेदार बात है कि चीते के सामने कुत्ता आ जाए तो कुत्ता तो भौंकने लगेगा, लेकिन चीता उसका जवाब देने के बजाय उससे दूरी बनाएगा, शांत रहेगा और वो चुपके से वहां से निकल जाना चाहेगा। चीता विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एग्रेशन कई बार उसके लिए फायदेमंद भी है तो कई बार उसके लिए नुकसानदेह भी है। फायदा इस प्रकार है, चीता हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, एग्रेशन की कमी से वह तुरंत शिकार पर झपट्टा नहीं मारकर उससे एक चुपके से चाल चलते हुए शिकार बना लेते हैं। नुकसान इस प्रकार है कि शेर, तेंदुए व बाघ जैसे जानवर उस पर दबाव बनाए रखते हैं और कई बार चीता उनका शिकार भी बन जाता है। कुत्तों की ये औकात नहीं कि चीते को शिकार बना ले, लेकिन उसे डरा जरूर सकते हैं और चीते उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।